एकदम ऐसा लग रहा है जैसे दिमाग से एक वो जो एक बहुत ज़्यादा बोझ था माइंड पे कि कैसा रहेगा क्या रहेगा, इतना वेट करना पड़ा इसके लिए, वो एकदम उतर गया है। अभी अपने पास गोल्ड है तो ये काफ़ी। जो अब तक सपना था, दूर का सपना, वो न केवल सच हुआ बल्कि उसने सोने की ऐसी शक्ल ली कि ट्रैक एंड फील्ड में 121 साल का इतिहास बदल गया। इस जीत के साथ देश भर में जो जश्न शुरू हुआ वो अब तक जारी है, खास तौर पर जब देश गोल्ड जीतने वाले नीरज चोपड़ा के साथ दूसरे पदक वीरों का स्वागत कर रहा है। कितने दिनों तक जश्न चलेगा, अब तो ओलंपिक का गोल्ड है। देखो, जब तक चाहेंगे अपने भारतवासी तब तक चलता ही रहेगा। सुबह नीरज चोपड़ा का परिवार दिल्ली के लिए रवाना हुआ तो उनकी माँ की बस एक ही आस थी, नीरज को देखकर जीत की खुशी दोगुनी कर ले। कुछ ले जा रही हूँ उसके लिए। हाँ जी, मिठाई सारी चीज तैयार कर रख, पैकिंग कर रखी। पैक मिठाई ले जा रही है साथ में। मिठाई लेके जाके और वहीं पर खिलाएंगे। हाँ, वहीं खिलाएंगे। बेटे को साथ लेकर के आना है या वो जब तक वहाँ रहेगा उसके बाद ही? नहीं जी, वहाँ रहे तो मंजा 20 दिन लेटे आओगा, लेकिन कम से कम तसल्ली मिल जाएगा आज आप उसको देख। हाँ, आज उसको देखने को जी मन खुश हो जाएगा। आज देश ही नहीं पूरी दुनिया में नीरज चोपड़ा के नाम का डंका बज रहा है। वहीं टोक्यो ओलंपिक में जेवलिन थ्रो में गोल्ड मेडल हासिल कर इस पोडियम तक पहुंचने का उनका सफर बेहद दिलचस्प रहा है, वो सफर जिसकी शुरुआत बेहद अनोखे अंदाज में हुई। मेरी फैमिली से भी कोई नहीं था और गांव में भी ऐसा कोई इंटरेस्ट नहीं था स्पोर्ट्स में किसी का, तो बस ऐसे फिटनेस के लिए गए थे, लेकिन वहीं पर ऐसे शुरू हो गया। तो बड़ी सिंपल शुरुआत थी, कोई ऐसा नहीं था कि बहुत ज़्यादा कुछ सोच समझ के मैंने जेवलिन शुरू किया। बस स्टेडियम में गया था फिटनेस करने के लिए, लेकिन वहाँ पे मैंने जेवलिन थ्रो करते हुए देखा मेरे सीनियर्स को और फिर मैंने शुरू कर दिया। मगर जिस दिन से शुरू किया तो अपना सब कुछ झोंक दिया। गांव से स्टेडियम 15 से 16 किलोमीटर दूर था। कभी नीरज बस पकड़ते तो कभी किसी से लिफ्ट लेते, तो रोज 30 किलोमीटर आना जाना, और किसी दिन बस छूट गई तो लिफ्ट लेने की नौबत आ जाती थी। आज देश जश्न में डूबा है, आम और खास, सरकार, सियासत, सब शाबाशी दे रहे हैं। नीरज जी नमस्ते। नमस्ते सर। और बहुत बहुत बधाई आपको। इनामों की बौछार हो रही है, मगर एक खिलाड़ी के ओलंपिक गोल्ड मेडल तक की कहानी कितने संघर्षों के बीच आगे बढ़ी, ये उन्हीं के शब्दों में सुनिए। बिल्कुल आंखों के सामने बस निकल जाती थी तो फिर वेट करना पड़ता कम से कम याद आया 1 घंटा, तो बिल्कुल वो आसान नहीं था, लेकिन मुझे लगता है कि वो टाइम बहुत ही ज़रूरी था एक उसके लिए, कि एक मेरा खुद के चेक करने के लिए भी कि भाई मैं ऐसे उस टाइम को झेल सकता हूँ कि नहीं। नीरज की मेहनत रंग लाने लगी। 2016 में नीरज उस वक्त रातों रात मशहूर हो गए जब पोलैंड में उन्होंने 86.48 मीटर के बड़े थ्रो के साथ जूनियर विश्व चैंपियनशिप जीतकर इतिहास रच दिया। नीरज चोपड़ा अब सीनियर रैंकिंग में 11वें नंबर पर आ गए। सेना ने इस कामयाबी को पहचान दी और उन्हें बतौर सूबेदार सेना में सम्मान के साथ शामिल किया। 2 साल बाद 2018 में नीरज ने जकार्ता एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल जीता। वहां उन्होंने 88.06 मीटर तक भाला फेंका, मगर 2019 में चोट की वजह से उन्हें भाला फेंकने वाले हाथ की सर्जरी करानी पड़ी। मतलब सब कुछ नहीं आ पाता, लेकिन दिमाग में जरूर आता है कि हाँ, बहुत टाइम ऐसा भी आया कि जिसमें ऐसा लग रहा था कि पता नहीं क्या होगा आगे, क्या पता कैरियर खराब ना हो जाए, इंजरी वगैरह भी आई थी। लेकिन समय ने नीरज का साथ दिया, ओलंपिक 1 साल टल गया और इस बीच उन्होंने जर्मनी के कोच उवे होन के साथ ट्रेनिंग की। 2021 के इंडियन ग्रां प्री में नीरज चोपड़ा ने 88.07 मीटर भाला फेंककर अपना ही रिकॉर्ड तोड़ा। वहीं टोक्यो ओलंपिक में 87.58 मीटर थ्रो के साथ वो भारत के गोल्डन बॉय बन गए। टोक्यो में राहुल रावत के साथ आशुतोष मिश्रा, पानीपत, आज तक।